अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी वीडियोस जो है मैनुअल की चल रही हैं, वीडियोस हम लोग देखना चाहते हैं कि ऑटो कैसी मशीन है, कैसी वर्किंग है उसके ऊपर। तो आज मैं आप लोगों को छोटी सी कोशिश करके दिखाने वाला हूँ कि ऑटो मशीन के ऊपर क्या क्या वर्किंग होती है, उसका सेटअप क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी हीट कंट्रोल कैसे करते हैं, उसकी पुशअप कैसे करते हैं, उसकी जो है प्रेशर के साथ कनेक्शन कैसे लगाते हैं। मुकम्मल सेटअप आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी बैक साइड पे मशीन मैंने चलाने स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, मशीन को चलाना मैंने स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह ताला मैं जो है आप लोगों को इसके ऊपर एक छोटा सा वर्क करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी इसके ऊपर थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि काम इस पर हम लोगों के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है करना। तो चलिए मैं आप लोगों को ज़रा मशीन की सबसे पहले आप लोगों ने हीट जो है 190 या 200 पे रखनी है। यहाँ से सेटिंग होती है इसकी, ये देखें, जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, ये 200 पे रख के मैंने ये सेट का बटन दबा दिया। तो ये अब जब इसके साथ मैच हो जाएगी ये हीट, तो ये दाना पिघल कर जो है नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक ट्रिपिंग होती है, ये खुद ब खुद ऑन ऑफ होती है, ये भी खुद ब खुद होती है, ये भी खुद ब खुद होती है। तो ये जो पाइप है इसका, ये सीधा कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर से होते हुए जो यहाँ पर इसके अंदर लगा के इसका वाल जो है खोल दिया जाता है इस तरीके से। तो इसकी अब प्रेशर जो है इसके अंदर आता है, प्रेशर यहाँ से जो है इधर से कनेक्शन जाते हैं और इधर ये छोटा सा एक सेटअप लगाया हुआ, प्रेशर उधर से आता हुआ यहाँ पर आता है। ये जो दो प्रेशर हैं इसको पुशअप करने के लिए लगे हुए हैं। तो एक प्रेशर के ये जो पाइप है, एक पाइप इसको नीचे धकेलता है और दूसरा पाइप जो है कुछ सेकंड के बाद इसके ऊपर लेकर आता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने टाइमर सेट किया होगा। तो अभी हीट तकरीबन पूरी ही होने वाली है, तो चलिए मैं इसको ज़रा पुशअप करके देखता हूँ। अगर हीट इसकी पूरी हो चुकी है तो ये माल बाहर आ जाएगा, अगर नहीं अदरवाइज़ तो फिर देखते हैं कुछ टाइम और। ये हीट तकरीबन पूरी हो चुकी है, ये देखते हैं बाहर आ रहा है और तकरीबन थोड़ा सा मतलब कि सख्त है माल, हार्ड है माल। तो अभी ये कुछ थोड़ा तैयार हो जाए, मैं फिर इसके अंदर पीस भी लगा कर चेक करता हूँ कि कैसा ये सेटअप है। और बखूबी आप लोग गौर से देख सकते हैं मेरा भाई, ये देखें, यहाँ पर आप लोगों ने डाई रखनी होती है इसके अंदर, डाई लगा के एडजस्टमेंट ये पूरी फिक्स की होती है हम लोगों ने। इसको आगे लगा के फुल टाइट कर देते हैं इसके साथ, फुल टाइट करने के बाद जो है यहाँ पर टाइमर लगाया होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये 3 सेकेंड का लगा हुआ है, ये देखें ये 3 सेकेंड का लगा हुआ है। और ये हीट जो है ये 200 पे लगी हुई है, उसके अलावा ये खुद ब खुद ऑन ऑफ होती है ऑटोमेटिक है, ये देखें ट्रिपिंग हो रही है। और माल जैसे ही हीट पूरी होगी 200 पर, 190-195 पर, तो ये यहाँ से माल थोड़ा थोड़ा वेस्ट होना शुरू हो जाता है इस जगह से। तो फिर आप लोग यहाँ इसके अंदर वायर्स वगैरह लगाते हैं, वायर्स वगैरह लगाते तो ऊपर से बटन पुशअप का बटन दबाते हैं, तो ये आप लोगों का इस तरह पीस बन के पुशअप होके बाहर आ जाता है। फिर आप लोगों ने डाई को खोलना होता है, डाई को जैसे ही खोलते हैं, खोलते ही इसको बाहर निकालेंगे, इसके अंदर वायर्स नई वायर्स लगाएंगे। उसके अलावा साथ ही आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये सारी ऑटोमेटिक मशीनें पड़ी हुई हैं, ये सारे ऑर्डर्स जो हैं जिनके कंप्लीट हुए हैं उनके ये सामान इस तरह पैक करके रख देते हैं, यहाँ से फिर बिल्टी लगवा देते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं हम लोगों ने खुद लेने आना है, तो वो खुद आ जाते हैं लेने के लिए। ये देख सकते हैं ये मशीन है, ये मैनुअल मशीन है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी अच्छी बनाई होती है मैनुअल मशीन में। ये देखें, और ये स्टील की नोज़ल अंदर लगाई हुई है हम लोगों ने, ताकि माल आप लोगों का बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन रहे। और उसके अलावा जो है इसमें हम लोग सिल्वर कलर भी बना रहे हैं और ये कलर भी बना रहे हैं, और बकाया जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ से लेमिनेशन करके अगले के हैंड ओवर करते हैं, यहाँ से बिल्टी लगवाते हैं। तो ये सारी मशीनें जो हैं आज इंशाल्लाह ताला बिल्टी लगनी है, कुछ मशीनें जो हैं यहाँ पर एक दो रह गई हैं वो कल लग जाएंगी। और मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी छोटा सा एक काम करके दिखाता हूँ, सैंपल लगाकर दिखाता हूँ, मैं सैंपल लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें ये देखें, इसमें डाई आप लोग रखेंगे नीचे और ऐसे रख के इसको फुल यहाँ से टाइट कर दिया जाएगा, फुल यहाँ आगे अटैच करके यहाँ इसे टाइट कर दिया जाएगा, फुल टाइट कर दिया जाएगा, ताकि माल सिर्फ अंदर अंदर ही रहे, माल बाहर ना निकले, ठीक है। और सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इस बटन को पुशअप करना है और आप लोगों की नीचे जो है माल फिल हो जाएगा और सैंपल बन जाएगा। ये देखें आप, ये
3 सेकंड में आपका माल जो है लग चुका है, सैंपल लग चुका है। अब देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये लें, आपका सैंपल रेडी हो चुका है और आपका माल अंदर लग चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाकर दिखाई जाए, तो ले लें मेरा भाई, ये मशीन है ऑटोमेटिक, ये खुद ही ड्रिपिंग होती है, इससे यहाँ से हीट कंट्रोल होती है और ये जो है यहाँ से टाइमिंग लगाई जाती है इसको पुशअप करने के लिए, कितनी देर में ये फिल करती है। और ये इसका ऑन ऑफ है, ये बटन है इसका, और ये टेम्परेचर बताने के लिए होता है, पीछे में टेम्परेचर कितना आ रहा है। और ये जो है ये इसका प्रेशर होता है, ये प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर है, प्रेशर आपका 6 से प्लस होना चाहिए। तो ये प्रेशर मतलब कि ये जो कंप्रेसर है ये प्रेशर आगे दे रहा है, इसके ऊपर भी मीटर लगा होता है प्रेशर का, ये देखें, ये देखें, तो ये भी बताता है इस टाइम प्रेशर कितना है। और ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये देखें, किसी भी दोस्त ने मशीन लेनी है या फिर कहीं से ले ली है, किसी भी तरह की मालूमात चाहिए तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को रॉ मटेरियल वगैरह की ज़रूरत है, पिने चाहिए, फास्ट चार्जिंग केबल्स चाहिए, कोबरा वायर चाहिए रेड कलर में, वाइट कलर में लाइनिंग वाली वायर चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबल है, मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। आप लोगों को रेड कलर में चाहिए, आप लोगों को वाइट कलर में चाहिए, माल मिल जाएगा। ये देख सकते हैं रेड कलर में मेरे पास माल पड़ा हुआ है, ये जितने भी कॉइल्स चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छी चीज़ है, फास्ट चार्जिंग है, कॉपर अच्छा लगा हुआ है, और उसके अलावा ये देख सकते हैं कॉइल्स काफ़ी हैवी मकदार मेरे पास पड़े हुए हैं, तो कोबरा वायर चाहिए वो भी मिल जाएगी, और उसके अलावा पिन्ने वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें, कॉपर में मेरे पास पिन्ने पड़ी हुई हैं, फास्ट चार्जिंग 3 एम्पीयर में, और कलर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप लोगों को मिल जाएगी। ये रबर्स पड़े हुए हैं पैकिंग के लिए, और काविया गन वगैरह पड़ी हुई हैं वाफर मकदार में, किसी भी भाई को चाहिए मिल जाएगी। और साथ ही आप लोगों को ये कटर्स दिखा दूं, काफ़ी ज़्यादा मकदार में पड़े हुए हैं, जितने भी चाहिए कॉटन वगैरह भी चाहिए तो मिल जाएंगे। और उसके अलावा ये चेकर मेरे पास पड़े हुए हैं, आप लोग केबल्स बनाते हैं उसके बाद उसको चेकआउट करना, तो ये चाइना इम्पोर्ट है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, चाइना से इम्पोर्ट करवाइए। तैयार केबल्स चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। तो उसके अलावा जो है ये मेरे ऑफिस का व्यू है, हर वीडियोस में इसलिए बार बार दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ये बिज़नेस प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, और एक प्रॉपर ऑफिस बनाया हुआ है इसका। ये देखें, ये मुकम्मल मेरे ऑफिस का व्यू है, और आई होप कि आप लोग ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पंजाबी मुंडा 29, इसी के ऊपर वीडियोज़ देख रहे होंगे, और ये कुछ व्यू है ऑफिस का। तो आप लोग जब भी आए मशीन बुक करवाने के लिए तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है टांका लगाने वाली मशीन हमारे पास है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्रॉपर इसकी जो है मैं वीडियो डालूँगा। ये देखें, ये गन्स मेरे पास काफ़ी वफर मकदार में पड़ी हुई हैं, लोग तो कॉटन्स के कॉटन मंगवा रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो 1-2 पीस मंगवाने से मतलब के शर्माते हैं कि भाई तो कॉटन्स की बात करें, भाई आप लोगों को 1-2 पीस भी चाहिए तो मिल जाएंगे, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। वाफर मकदार में जितना माल चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को चार्जेस हैंड फ्री के जो है होलसेल रेट्स दूंगा, तैयार माल जो कि डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करवा के आप लोगों को मुनासिब रेट्स पर मुहैया करूंगा। किसी भी दुकानदार हजरात को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आप लोगों को मुहैया करके दूँगा। ये देखें, इन्फिनिक्स वाले स्टिकर भी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो जिस भाई ने माल तैयार किया वो इन्फिनिक्स स्टिकर्स वगैरह चाहिए तो वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी भाई को हीटर्स वगैरह चाहिए 2 नंबर 3 नंबर मशीन का अवेलेबल है, भाई विक्ट्रा कंपनी का जो है आप शोल्डर इस्तेमाल करें, टांका इंशाल्लाह टूटेगा नहीं, टांका मजबूत तरीन लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो जितने भी आप लोगों को वाफर मकदार में चाहिए तो मेरे पास सैंपल्स पड़े होते हैं, आप लोगों को जितने भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह गोदामों में मेरे पास माल जो है वाफर मकदार में पड़ा हुआ है। तो दाना चाहिए अच्छी क्वालिटी में मेरे पास 25 kg का बैग पड़ा हुआ है, किसी भी भाई को चाहिए, एक बैग में 25 kg होता है तो वो भी पड़ा हुआ है मेरे पास, किसी भी भाई को चाहिए मेरे साथ रब्ता कर सकता है।
वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और होती जा रही है, आई होप के हो चुकी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह ही बिजनेस के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।